मीटिंग शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी। हिंदी? यस प्रॉब्ली, या तो मैं पहले तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई अपना स्थान नहीं है, तो रूम सिलेक्शन में ही रूम जैसा है वैसे मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। तो क्लास छोटा है इसलिए मैं प्रेयर छोटी करूंगा। तो ओम अज्ञान से मेरा दस ज्ञान अर्जन चला गया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमः। जय सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यवादिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी मुझे सेवा दी है कि मैं नाम जप के ऊपर कुछ शब्द कहूँ आधा घंटा। और हालांकि हम भी ये हमारा स्ट्रगल है चैंटिंग, लेकिन हम बताते हैं तो हमें भी याद आता है कि हमको अच्छा चैंटिंग करना है। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं सोचा इसको हम चर्चा करते हैं आज नाम आभास के ऊपर, और नाम अपराध को अवॉइड करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो श्लोक है ये सिक्स कैंटो सेकंड चैप्टर 14 श्लोक है, वहां से शुरू हो रहा है और उसी में थोड़ा आगे ये है। तो ये जो 14 श्लोक है इसमें जो चर्चा का विषय है वो है नाम आभास। तो यहाँ पर विष्णुदूत और यमदूतों में जो तो डिबेट हो रहा था, तो डिबेट में विष्णुदूतों ने कहा कि भाई अजामिल तो पहले ही मुक्त हो चुका है। मुक्त हो चुका है? अरे तो बहुत बड़ा पापी है, कैसे मुक्त हो गए? बोले मुक्त ये तो तभी हो गया था जब ये अपने बेटे को बुलाता था खाने के लिए बिठाने के लिए, और ये तो बोनस है जो उसने अंत में नाम लिया, क्योंकि वो हेल्पलेस कंडीशन में लिया गया नाम। और फिर वो कोट करते हैं श्लोक को कि अगर कोई कोई मजाक उड़ाने के लिए, कोई जस्ट किसी और चीज को एड्रेस करने के लिए, किसी भी पर्पज के लिए, अगर चार तरीके वहां पे बताए गए हैं। मैं अगर उस श्लोक को यहाँ पे लाऊं, मे बी आप मेरे वीडियो शायद देख पाए नहीं थे अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपका वीडियो ये हो गया, मैं शेयर कर देता हूँ प्रभु जी। आपका वीडियो थोड़ा क्या हो गया टिल्टेड हो गया। आप पहले जैसा कर लीजिए, स्क्रीन को मैं शेयर कर सिक्स देता टू हूँ। 6 to 14। देख रहा है प्रभु? सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनेमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा दहरम विदु। आगे प्रभु तो वन हु चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज इमीडिएटली फ्रीड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अनलिमिटेड सिंस इवन इफ ही चैंट्स इनडायरेक्टली। अगर वो इनडायरेक्टली नाम जप करता है जोकिंगली मजाक उड़ाते हुए, फॉर म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और इवन निग्लेक्टफुली इनडायरेक्टली जो कि अजामिल ने किया था, इंडिकेट समथिंग एल्स जैसे कि हम बोलते हैं नमक राम चपाती राम, कभी कभी किसी किसी क्षेत्र में ऐसा बोला जाता है, राजस्थान में भी मैंने कभी कभी ऐसा सुना था। तो जो वो नाम है वो आप किसी और चीज को एड्रेस कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो वो भी नाम आभास है। जोकिंगली हमारा मजाक उड़ाया जाता है, और म्यूजिकल एंटरटेनमेंट ये भी है, और निग्लेक्टफुली मतलब हम वहां लेना नहीं चाहते, और या फिर हमने बिल्कुल निग्लेक्टफुली लिया है। तो इस स्टेज में भी अगर कोई नाम लेता तो नाम आभास मिलता है, और दिस इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द लर्न लर्नर्स स्कॉलर्स ऑफ द स्क्रिप्चर। जो भी विद्वान लोग हैं उन्होंने इसको स्वीकार किया है। सो इसमें सीखने वाली चीजें ये हैं कि एक तो नाम या पाप खत्म करना, ये हम भक्तों का टेंशन नहीं होता, टेंशन होता कि पाप करने की इच्छाएं खत्म हो। और ये क्यों जरूरी है? तो जनरली बोला जाता है कि भगवान का नाम जप किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम जप करना चाहिए, ना कि पाप खत्म करने के लिए। पाप खत्म करने के लिए जब हम शुद्ध होने के लिए जब हम जप करते हैं वो सतोगुण में आता है। एक्चुअली में हम जो भी कार्य शुद्ध होने के लिए करते हैं दैट कम्स इन अंडर मोडो गुडनेस, एंड व्हेन वी डू इट टू प्लीज कृष्णा दैट इज अबव मोडो गुडनेस।
बट वी कैन मेंटेन इट, हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए हम हमारे लिए बेस्ट रहता है कि हम ये और दोनों मिक्स करके चलें, प्योरिफिकेशन अदरवाइज प्लीजिंग ड्यूटी एंड प्लीजिंग गुरु एंड कृष्ण। सो अब ये प्रश्न आता है कि अगर हम नाम आभास से सारे पाप खत्म हो जाते हैं तो हमको आगे प्रॉब्लम क्यों आती है? तो उसके दो कारण हैं, एक है अपराध, सेकंड जो हमारे रिएक्शन है उसको भगवान उपयोग करते हैं हमारे लिए प्योरिफिकेशन हमको करने के लिए। क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है, नाम आभास से पाप सारा खत्म हो जाता है लेकिन टेंडेंसीज खत्म नहीं, जो हमारी बुरी टेंडेंसी है। तो नाम आभास एक्चुअली क्या होता है, जब कोई सूर्य उदय हो रहा है, व्हेन सन इज राइजिंग वी सी ऑल डार्कनेस इज गॉन, अंधेरा चला जाता है सूर्य के आने से पहले, उसको बोलते हैं अरुणोदय, वो सूर्य का सारथी पहले आता है। तो इवन बिफोर सन कमिंग हमें अंधेरा दूर कर देते हैं सूर्यदेव, तो वो सूर्य का आभास होने से ही अंधेरा दूर हो जाता है। उसी तरह से नाम का आभास होने से ही हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, हमारा सारा अंधकार दूर हो जाता है। और ये भगवद गीता के 7 चैप्टर के 28 श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ये द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। लाइक एग्जैक्टली मे बी कुछ इधर उधर हो श्लोक, बट इसका मीनिंग ये है कि ये शाम तु अंतगतम पापम, जब हमारे पाप पूरे खत्म हो जाएंगे, जनानाम पुण्य कर्मणा, और हमारे पुण्य कर्म, ये जो पुण्य कर्म की बात हो रही है भक्ति के जो पुण्य कर्म है, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता या एग्जैक्टली भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो व्यक्ति डिल्यूजन से फ्री होकर हमको दृढ़ता से भक्ति कर पाएगा, भगवान बोल रहे। तो वी वांट डिटर्मिनेशन, कुछ भक्त पूछते हैं दृढ़ता से भक्ति कैसे मिलेगी? व्हेन वी चैंट प्रॉपरली, हमारे जो रिएक्शंस हैं, हमारी जो टेंडेंसीज हैं, वो जब खत्म होंगी तो हम द्वंद से मुक्त होंगे। द्वंद क्या है? जीत हार, सुख दुख, मान अपमान, सबसे बड़ा जो स्ट्रगल हमारा साधक का आता है वो नीचे इन चीजों में आता है। उसने हमको ये बोल दिया, उसने हमको सम्मान नहीं दिया, या सुख दुख मेटल लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, उस कारण से द्वंद, द्वंद मतलब दो, मान में फंस गए या फिर अपमान में फंस गए, जीत में फंस गए या हार में फंस गए, सुख में फंस गए या फिर दुख में फंस गए। तो ये जो द्वंद है उससे मुक्त हो जाएगा व्यक्ति, जिसके पाप खत्म हो जाएंगे, पुण्य आ जाएंगे। कौन से पुण्य? भक्ति उन्मुखी सुकृति के हम, या फिर भक्ति से जुड़े हुए जो एक्टिविटीज के पुण्य है। भजनते माम दृढ़ता, दृढ़ता से हमें भक्ति कर पाएगा। इनिशियल स्टेज पे जब हम अनिश्चिता भजन क्रिया की स्टेज पे हैं, तब हमारी सबसे जो जरूरी क्वालिटीज में से कुछ एक है वो है डिटर्मिनेशन। जैसे विश्वामित्र जी कितनी बार फेल हुए बट ही नेवर लेफ्ट डूइंग एफर्ट। तो जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कुछ गलतियां भी हो रही हैं, कुछ मिस्टेक्स भी हो रही हैं, बट आप सिंसियर हैं और आप डिटर्मिनेशन से लगे हुए हैं, तो भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं और फिर आप आगे कर पाते हैं। तो दृढ़ता को पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर नेचुरली नहीं है, लेकिन जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो दृढ़ता हमारे हमारा जीवन का अंग बन जाती है, इट बिकम पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है पहले नाम अपराध से नाम आभास पे पहुंचना। नाम आभास गोल नहीं है, नाम आभास एक स्तर है। नाम अपराध, जो 10 नाम अपराध है उसको अवॉइड करना सबसे जरूरी है। बट आई हैव लर्न, जो भी मैंने प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी हैं, जो भी आचार्यों की बुक हम रेफर करते हैं, उसमें एक ही चीज बार बार बोली गई है कि जो भक्त है, जो भी आप कार्य कर, जो भी आप पढ़ाई करते हो, आप अगली क्लास में जाने के लिए पढ़ाई करते हो। 5वीं क्लास की पढ़ाई का लेवल ऐसा होता है कि 6ठी क्लास में जा पाओ, 6ठी क्लास की पढ़ाई ऐसी होती है अब 7वीं क्लास में जा पाओ। तो हम अब किस स्टेज पे हमें पता होना चाहिए? तो भक्ति ठाकुर बोलते हैं भजन ऐसे में कि डिवोटी शुड नो, और भक्ति तत्व विवेक में भी इसकी चर्चा होती है कि डिवोटी शुड नो एट विच लेवल ही इज एंड वट ही हैज टू डू टू गो टू नेक्स्ट लेवल। ये हमारा फोकस होना चाहिए, अदरवाइज वी मे हियर ट्रांसजेंडर टॉपिक्स, हम बहुत ऊंचे ऊंचे चीजें सुन सकते हैं, बट हमें अभी क्या करना है उसमें जो सबसे ज्यादा मदद करती है वो है कि पहला नाम की महिमा, नाम की ग्लोरिफिकेशन, भगवान की नाम की ये चीजें, मतलब लीलाएं जो है भगवान की हमें अभी इतना रिलेट नहीं कर पाते, हमें अच्छी लगती है, रिलेट मतलब व्हाट शुड आई डू इन माय लाइफ राइट नाउ। तो नाम का गुणगान और नाम की क्या शक्ति है, नाम की महिमा और भगवान की कथाएं सुनना, इट्स नॉट रॉन्ग बट ये एक मुख्य पार्ट है
सेकंड, अनर्थ और अपराध के विषय में कि अनर्थ क्या होता है, अनर्थ मेरे अंदर क्या अनर्थ है, और मेरे अपराध जो हैं वो क्या हैं, कैसे कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 नाम अपराध हैं, 10 नाम अपराध में हमें डिस्कशन होना चाहिए रेगुलर। हम नाम अपराध रोज सुबह पढ़ते हैं, बट उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो डीप डिस्कस करने का पता लगता है कि हम ये कहाँ कर रहे हैं। 8वां अपराध हम और 7वां अपराध हम काफी बार करते हैं। 3rd अपराध जो गुरु की अवज्ञा है, हम हो जाते हैं हमसे, और देवताओं वाला भी हो जाता है, देवताओं वाला भी हो जाता है। हम कई रिचुअल्स हैं, मतलब हम बिहार में जो हम फेस करता हूँ कॉन्ग्रीगेशंस डिवोटीज से जो चैलेंज आते हैं, वो उनकी जो पुरानी पूर्व जो उनकी जो पूजाएं चली जा रही हैं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू लीव इट, कि वो नाराज ना हो जाए। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हम अपराध ऐसे हो जाते हैं हमसे, जिस कारण से हम नामाभास पे भी नहीं आ पा रहे। पर जब हम भक्ति में आए ही नहीं थे, तब हमने जो नाम जप किया था उनको नाम आभास देता है। बट वो नाम आभास और जो अभी नाम आभास हम करेंगे वो अलग है। उसमें क्या अंतर है? वो नाम आभास एक तरह से आपको भक्ति में लेके आता है, और वो नाम आभास शुरू में जो व्यक्ति नाम आभास करता है, जब उसको अपराध का ज्ञान नहीं होता है, तब उसे एक हल्का सा टेस्ट मिलता है। भगवान ये टेस्ट देते ताकि उसको ये पता लगे कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है, इस वर्किंग, और उसको नाम आभास मिलता है। लेकिन जब वो साधना में आ जाता है, भक्तों के संग में आ जाता है, तब भक्तों के संग में रह के उसको अपराध अवॉइड करने होते हैं, अपनी टेंडेंसीज को कंट्रोल करना होता है, तब वो फिर नाम आभास पे पहुंच पाता है, जिसको बोलते हैं श्रद्धा नाम आभास। जो ये नाम आभास है सिंपल है, और जो अभी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए गुरु के कहने पे जो नाम आभास हम नाम जप कर रहे हैं, अब जो नाम आभास हमें प्राप्त होगा उसको बोलते हैं श्रद्धा नाम आभास। तो सुखदेव गोस्वामी इस अजामिला के प्रसंग में ये भी बोलते हैं, देखिए अजामिल ने तो बिना सोचे अनजाने में ये कार्य किया था। यस और नो? उन्होंने सोचा नहीं था कि भाई मैं भगवान को प्रसन्न के लिए कर रहा हूँ या फिर प्योरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ, ये भी नहीं सोचा था उसने। तो भी उसको वैकुंठ मिल गया। लेकिन अगर आप श्रद्धा से नाम करोगे तो आपको क्या मिल सकता है? आपको भगवान क्या देंगे? तो उससे ऊपर ही कुछ देंगे। इसमें कुछ भक्त ये बोलते हैं कि जो नाम आभास है वह वैकुंठ नहीं दे सकता, क्योंकि अजामिल भी को पहले मेहनत करनी पड़ी 14 साल, फिर वो गया। बट एक आचार्य जो बड़े आचार्य, उनका ये भी एक्सप्लेनेशन है कि एक्चुअली वो क्वालिफाई हो गया था, लेकिन टू टीच अदर्स वो पास टाइम ऐसे हुआ कि उन्होंने 14 साल साधना किया, बट उनका जो नाम आभास था वो हेल्पलेस कंडीशन में था। मतलब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, यू आर डाइंग। जैसे गजेंद्र था, वो मर रहा था, मरते वक्त जब उसने भगवान को पुकारा, तो अभी नाम आभास लिया है उसने, उसको पता भी था भगवान कौन है, बोले जो भी इन 3 लोगों का स्वामी है वो मेरी रक्षा करे, बट भगवान आए वहां पर। तो अजामिल बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में था, उसके पास फोकस करने के लिए कुछ और नहीं था, वो यमराजों को देख के डरा हुआ था, एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। तो उस हेल्पलेस कंडीशन में फोकस्ड वे में रोते हुए पुकारा था उसने नारायण का नाम, तो बहुत ही पोटेंट था वो, बहुत ही शक्तिशाली था, उसमें वो पोटेंसी थी कि वो वैकुंठ भी जा सकता था। तो नाम आभास पे हमको पहुंचना है, नाम अपराध अवॉइड करने हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे जरूरी है इस वक्त भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नाम की नॉलेज, नाम की महिमा, और हमारे अपराधों की डिटेल्स, हम कैसे एक अपराध करते हैं, कैसे हमको अवॉइड करना है, और अनर्थ हमारे अंदर क्या क्या है। जो भक्ति में ठाकुर जी ने बोला है कि आप चैंटिंग करते हो लेकिन चैंटिंग में टेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे हृदय में अविद्या के बादल हैं। उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? अविद्या के बादल मतलब जैसे सूर्य है, सूर्य को जब बादल ढकते हैं तो सूर्य की शक्ति समान रहती है, लेकिन सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती। उसी तरह से जो नाम का जो शक्ति है वो उतनी ही है, लेकिन जो हमारे अंदर अनर्थ है वो हमारे तक नाम का प्रभाव नहीं पहुंचने देते। वो चार हैं, हृदय दुर्बल्यम, सतृष्णा, तत्व विभ्रम एंड अपराध। अपराध और इन सब चारों की चार चार कैटेगरी अलग है, वो हम कभी डिटेल में कभी फिर चर्चा कर सकते हैं। सो ये जो अनर्थ है या विद्या के बादल हैं, ये हमें उस नाम की वो टेस्ट लेने नहीं दे रहे। और पहले नाम कैसे लिया जाता है वो NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बताते हैं कि हे भगवान, आपका जो नाम है वो, आपकी कथा है वो चीनी की तरह मीठी है,
चीनी की तरह मीठी है, लेकिन हमको पी लिया हो गया। पर मुझे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज इसको काफी कोट करते हैं। और लेकिन सॉल्यूशन चीनी मतलब गन्ने का जूस, यही चीजें हैं। तो आपको जब नाम जप करते हैं, जब आपका माइंड डिस्टर्ब करता है, कई बार सरदर्द करने लगता है, कभी बार नींद आती है, तरह तरह के विषय आते हैं, वो जो चीजें हैं वो आपको यही सोचना है कि भाई नाम जप करते ही प्रॉब्लम आती है मेरे को, लेकिन मेरी दवाई भी नाम जप ही है, तो मुझे एज ए ड्यूटी नाम जप करना है, और ये नाम जप के द्वारा ही ये चीजें दूर होंगी। ये हमको ऐसे उस वक्त एफर्म करना होता है, हमको मेडिटेट करना होता है। तो मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ आप रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इट इज लाइक या इट इज गोइंग ऑफ? नहीं प्रभु जी, काफी अच्छा है ये, मतलब बहुत ही अच्छा है। आई थिंक सो एवरी वन वुड बी रिलेटिंग इट एंड बेनिफिटिंग। ओके, थैंक यू। तो मैं जब भी मतलब कि नाम जब हम, हालांकि हम भी शुद्ध स्तर पे अभी नहीं पहुंचे हैं, तो मैं नाम आभास, नाम अपराध की डिटेल्स, जैसे मैं हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे एक साथ एक डिवोटी है, तो नाइन्थ ऑफेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नाइन्थ ऑफेंस जैसे कि अश्रद्धालुओं को नाम जप की महिमा बताना, ये अपराध। और कभी कभी हम ये अपराध करते हैं, तो प्रभु जी मैं, क्योंकि एक एक अपराध में हम, हो सकता है फ्यूचर में डिटेल में जाए, क्योंकि हम जाते हैं एक एक अपराध को, हम डिस्कस करते हैं 1-1 घंटा, कभी कभी ज्यादा, ताकि हम उसकी कार्य इंट्रिकेसीज सारी डिटेल सामने आए, हम कैसे कैसे उसको करते हैं। तो नाइन्थ अपराध जो है, हम जब किसी को नाम माइंड कंट्रोल के लिए नाम जब बताते हैं, तो वो उसके लेवल के हिसाब से है। और दूसरा, हम जब पहली बार किसी को बताते हैं और जब उसका रिएक्शन आता है, फिर हम उसको चेंज करना चाहिए। कभी कभी हम बहुत हाई टॉपिक, रासलीला का टॉपिक हम जनरल पब्लिक को बता देते हैं, हम मतलब जरूरी नहीं आप, बट हम स्पीकर्स में टेल, तो उसमें ही अपराध हो सकता है। और हम कभी बड़ा अच्छा लेक्चर सुन के आए नाम जप के ऊपर, और हमने आगे ऐसा ही अपने नीचे सुना दिया, उसमें कभी हम ही अपराध कर सकते हैं। तो हमें देखना होता है कि मैं जो जो लेक्चर दे रहा हूं, उसमें जो ऑडियंस है वो किस लेवल की, उसमें कितना नॉलेज दे सकता हूं। तो ये भी कई बार अपराध हम इस तरीके से कर देते हैं कि उस नॉलेज से उसको वो भक्ति में आगे ना बढ़ के डाउट आ जाता है या पीछे चला जाता है। तो केयरफुल, बहुत केयरफुल, ये भी एक क्वालिटी है जो हमें नहीं है। कनिष्ठ भक्त में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो केयरलेस होता है और अपराध करता है। और कनिष्ठ भक्त को मध्यम भक्त पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है केयरफुलनेस और अपराध ना करना। ये दोनों चीजें कर ले। केयरफुलनेस से क्या होगा, जो भी रूल्स मिले उसके भक्ति को उसका ध्यान रखेगा, वैष्णव अपराध को अवॉइड करेगा। केयरफुल, लाइक भक्ति इज ए रेजर ब्लेड पे चलने जैसा है, या रेजर ब्लेड करने जैसा है, थोड़ी सी गलती हुई खून निकल जाएगा। तो लाइक दैट। भक्ति तो है, ऐसा कहा जाता है कि भक्ति तो ऐसा, आप आंखों में पट्टी बांधो और भागो, फिर भी आप भक्ति में गिर नहीं सकते। प्रभु जी, एक तरह आप बोल रहे हो कि ये तो ऐसा है कि थोड़ी गलती हुई तो खून निकल जाएगा, चैलेंज। तो जब आंखों में पट्टी बांध के कहा जाता है कि एक्चुअली में वेदों में बहुत सारे रूल्स हैं, गृहस्थों के लिए इतने रूल्स हैं, इतने रूल्स हैं कि आप रूल्स फॉलो करते रह जाएंगे, बोले साइड रखो इसको, इतने हैं। इवन शौच के बाद हाथ धोना कैसे है, उसके लिए इतने रूल्स हैं कि आप बोलेंगे प्रभु जी माफ कीजिए। सो जब ये अंधा आंखों पे पट्टी बांध के बांधने वाली बात है, तो ये सब रूल्स को अवॉइड किया गया है। और बेसिक जो भक्ति के, नवदा भक्ति है, और जो श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन जो हम कर रहे हैं, इतना फॉलो करो, बाकों के लिए, बाकी चीजों के लिए आंखों में पट्टी बांध दो। श्राद्ध हुआ है या नहीं, इवन हम लोग श्राद्ध करते हैं क्योंकि लोक विचार के लिए करते हैं, बट यहां तक एक्सप्लेन किया गया कि श्राद्ध यह सब चीजें भी आवश्यकता नहीं, आप हरी नाम करोगे उससे ही हो जाएगा, बट लोक विचार के लिए करते हैं क्योंकि लोग बोलेगा अरे भाई साहब ये इन्होंने ये नहीं किया, दैट्स द ओनली
इज द ओनली रीजन। तो बाकी चीजों की आंखों पे पट्टी बांध लो भाई, ये करना होता है, ये वो करना, इस देवता की पूजा करनी होती है, ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, नो नीड। ये जब ग्रहण होता है तो लोग मंदिर बंद करते हैं, पूजा बंद करते हैं, इस्कॉन डिवोटीज, इस्कॉन टेम्पल, पूजा बंद नहीं होती, सिर्फ गेट बंद होते हैं। जहां जहां पब्लिक को दिक्कत नहीं होती वहां पे गेट भी खुल जाते हैं, भगवान के दर्शन भी होते हैं। जहां जहां कर्म कांड ज्यादा फॉलो किया जाता है वहां पे गेट बंद होते हैं, लाइक दैट। तो इतना हमें फेथ होना चाहिए इन जो मेन विषय है, मेन जो भक्ति के जो अंग है, कि उनको अगर हम सिर्फ उतने को फॉलो करें, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द है विश्वास से, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत हो, कि अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो सारे कर्म कंप्लीट है, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अलग से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई भी चीजों को छोड़ता, देखता हूँ कि मुझे छोड़ता है, सब चीजें छोड़ता है, तो उसको ऋण होता है, उसको नरक जाना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है श्रद्धा से, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है। 11:5:41, 11वां स्कंद 5वां अध्याय 41वां श्लोक, 5 तरह के ऋण होते हैं जीवात्मा पे, लेकिन जो भक्ति करता है श्रद्धा से विश्वास से, उसके ऊपर ये 5 ऋण नहीं लगते। तो अगेन मैं इसको समराइज करूंगा, आई थिंक हमारा टाइम हो गया, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेना चाहूंगा। तो नाम आभास, नाम आभास क्या होता है? एक नाम आभास होता है पहले, जो हम भक्ति में आते हैं उससे पहले, वो हमें टेस्ट भी देता है, भक्ति में आ रहे होते हैं, फिर हमें नाम अपराध का ज्ञान मिलता है, उसके बाद हमको नाम अपराध अवॉइड करने होते हैं, तो हमको एक्चुअल नाम आभास मिलता है। नाम आभास से हमारे सारे पाप एंड हो जाते हैं। जब हम अपराधों को अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उस स्टेज में नाम आभास होता है। नाम आभास भी बहुत ही ज्यादा हमें शांति देता है, आनंद की अनुभूति भी होती है, बट वो आनंद रियल आनंद नहीं है। वो आनंद कैसा है कि जब आपको बहुत ज्यादा जोर से जकड़ा गया है, आपका हाथ खुल रहा है, आप खुल रहे हो, तो आपको आनंद मिलता है। आप बहुत ज्यादा गर्मी में हो और पेड़ के नीचे आते हो तो आपको आनंद मिलता है, पर वो रियल आनंद नहीं है, भक्ति का आनंद नहीं है। इसको भक्ति का आनंद समझ के मत सोचना मैं तो मेरा काम हो गया, नहीं, बस आनंद बहुत ऊंचा, वेरी वेरी हाई। और उसके बाद तो पहले निष्ठा पे पहुंचोगे, अनंत निवृत्ति जब होगी आप निष्ठा पे पहुंचाओगे। तो नाम आभास पे आप एक तरह से कह ले सकते हो कि निष्ठा पे पहुंच सकते हो आप, निष्ठा आपकी आ जाएगी। और फिर हमने नाम अपराध की कुछ डिटेल में 9th ऑफेंस डिस्कस किया, और ये 10 अपराधों की डिस्कशन होना चाहिए, कैसे हम करते हैं, कब करते हैं, थोड़ा कंटेम्पलेशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए, और अनर्थों की नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे अंदर कौन कौन से अनर्थ हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि 6 खरपतवार आती है, आप जब नाम जप करते हो आपके अंदर जो अनर्थ है वो भी बढ़ते हैं। मतलब आप जो पानी डाल रहे हो श्रवण कीर्तन का, वो आपको भक्ति नहीं दे रहा है, भक्ति के साथ साथ आपके अनर्थ भी बढ़ा रहा है, अगर आपने ध्यान से उसको अपरूट नहीं किया। ये कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। अगर आपने उस प्रॉब्लम को अपरूट नहीं किया, अगर आपको पूजा प्रतिष्ठा का खरपतवार बढ़ रहा है आपका, आपको अपरूट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बढ़ता रहेगा। तो लाइक दैट, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको अपरूट करते हुए नाम जप करता जाना है, और फिर अपराधों को अवॉइड करना, केयरफुल इसको करना, तो उसके बाद हमें वो नाम मिल सकता है। ऑटोमेटिकली नहीं होता है, भक्ति ठाकुर बोलते हैं अगर हम ये ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये भक्ति का ये अंग है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने इतनी अच्छी तरीके से ये चीजें समझाई। मतलब ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, छोटी मतलब हम इग्नोर कर देते हैं नहीं तो, कि अपराध से कैसे बचना चाहिए, नाम अपराध क्या होता है, नाम आभास क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो रिक्वेस्ट करूंगा डिवोटीज का जिसका क्वेश्चन है, दोज हू हैव क्वेश्चंस कैन ड्रॉप देयर क्वेश्चंस ऑन द चैट और दे कैन आस्क बाय अनम्यूटिंग देमसेल्व्स। शुभा माता जी, या यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंडित प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने डेमिगॉड वर्शिप का बोला तो हम लोग अच्छी तरह से इतना बार सुन के जान चुके हैं कि ये हमको नीडेड नहीं है, बट समवेयर हम लोगों ने ये भी सुना हुआ है कि इसकी जो माता जी, कठिन आपकी अपराध आवाज थोड़ी थे। क्लियर नहीं है, इफ यू कैन प्लीज स्पीक लिटिल लाउडर एंड क्लोजर टू द माइक। ओके प्रभु जी, इज इट नाउ? यस यस, यस। ओके।
ओके तो बेबी जी, हमने डेमी गॉड वर्शिप का सुना है कि हम लोगों को नहीं करनी चाहिए बिकॉज दे आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लॉर्ड, एंड ये भी सुना है कि हमें डेमी गॉड वर्शिप अगर हम करते हैं तो इस मूड में करनी चाहिए कि वो हमें फर्दर भक्ति में ही प्रोग्रेस दें. बट लाइक जैसे अभी शिवरात्रि आ रहा है या फिर अदर दूसरे भी व्रत आते हैं, त्योहार आते हैं, तो हम लोग प्रभु जी इसमें मूड में आ जाते हैं कि हम को ये करना चाहिए बिकॉज इट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अवर ओल्ड रिचुअल्स जो हम करते आ रहे हैं फॉर फ्रॉम एवरी टाइम चाइल्डहुड से. तो और हम उसको इस मूड में लाना चाहते हैं अब कि हम उनकी फास्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि बिकॉज वी वॉन्ट कि हमको भक्ति में प्रोग्रेस मिले. तो इज इट राइट मूड प्रभु जी, और वी शुड चेंज दिस मूड ऑफ आवर्स एंड लीव द फास्टिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. एक्चुअली भगवान शिव परम वैष्णव है, वो कृपा देते हैं, बट एक्चुअली जो शिव जी के भक्त हैं या देवी के भक्त हैं, उनके अंदर मेटेरियल डिजायर बहुत ज्यादा होती है। और जो हमने शिव जी या दुर्गा जी भक्ति की है, वो भी मेटेरियल डिजायर्स के लिए की बहुत ज्यादा। और जब हम इसको स्पेसिफिकली करते तो हमारे संस्कार जाग जाते हैं मतलब, और हमारी नेचुरल प्रेयर्स, हमारी टेंडेंसीज हमें पता भी लगती कि, और देवी देवताओं के जो भक्तों का संग करना है उसको तो इतना ज्यादा अवॉइड किया गया, उससे ज्यादा अच्छा तो बताया गया कि अब मर जाए। चलो उतने ज्यादा वो मेटेरियली एनग्रोस्ड होते हैं, इतनी डिजायर भरी होती है उनके अंदर। तो प्रैक्टिकली जो प्रभुपाद जी ने सजेस्ट किया, भक्ति ठाकुर जी ने सजेस्ट किया, वी शुड नॉट डू इट। और हम किस स्टेट में करते हैं, किस स्टेज में करते हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही पब्लिक बहुत नोटिस करती है, जैसे कि श्राद्ध, ये नोटिस होने वाली चीजें हैं, पब्लिक आएगी अरे तुमने तो कुछ किया ही नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया। और उसमें भी हम क्या अवॉइड करते हैं कि भाई बहुत सारे रिचुअल होते हैं जिसमें पंडित जी बहुत पैसा कमाते हैं, हम थोड़ा समझ रखते हैं तो उसको हम अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। मतलब पंडित जी को गाय दान दो, वो गाय फिर बेच देगा। और जैसे कि सूर्यदेव की पूजा है, छठ पूजा थी बिहार में, है ना, हम दिवाली पे कुछ अलग से करते हैं, सरस्वती के लिए, लक्ष्मी के लिए, गणेश के लिए, ये जो भी पूजाएं ये हमें नहीं करनी है। अगर हमको मजबूरी में करनी पड़ती है, वो मजबूरी कब है, जब आपकी सास है और ससुर जी भक्त नहीं है और बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं और आप नए हो, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। दिल्ली में तो क्या किसी को वैसे कोई पूजा नहीं करता है, मतलब दिल्ली में मैंने जो देखा है। तो उस स्टेज में हम उनको पूरी तरह से अवॉइड करके, वो टाइम अगर आप हरे कृष्णा मंत्र जप करने में लगाओगे या प्रीचिंग में लगाओगे तो वो देवता ज्यादा खुश होंगे, भगवान ज्यादा खुश होंगे, ये प्रिंसिपल है। तो किसी भी स्टेज में हम देवताओं को अपराध नहीं करते, देवताओं को हम सम्मान देते हैं कि कि ये देवता है, भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के अंश है। और बट हम स्पेसिफिकली जब जाते हैं देवता की पूजा करने, वो टाइम जो हम डिवोट कर रहे हैं वो टाइम इज लेस इंपॉर्टेंट, हमारा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम शुद्ध भक्ति में लगाते हैं उसको। थैंक यू प्रभु अगर जी, हम इट्स क्लियर प्रभु जी, थैंक यू सो मच. चैट बॉक्स में प्रभु जी क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन आया है चैट पे. जी जी बोलिए बोलिए आप, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. इट इज वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स टू फॉलो ऑल रूल्स ऑल द टाइम ऑफ भक्ति अलोंग विथ फैमिली. कैन वी फॉलो ओनली मोस्ट एसेंशियल रूल्स इन फैमिली लाइफ टू क्रिएट सम बैलेंस विथ फैमिली मेंबर्स? यस, दैट हैज टू बी डिस्कस विद योर लाइक फैसिलिटेटर और काउंसलर, जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो प्रैक्टिकली डिटेल में। और इफ इफ नीड रीड हेल्प आई कैन लाइक हेल्प, बट जो पांच चीजें हैं गृहस्थ भक्तों के लिए, यस किसी के लिए पांच चीजें जो जैसे मैं अपने मोस्ट एसेंशियल बताई हैं, इनको कर लो कम से कम, वो है श्रीमद्भागवतम श्रवण और भक्तों का संग। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि भक्तों के संग में बाकी चीजें होंगी, भक्तों का संग, श्रीमद्भागवतम, नाम जप, विग्रह सेवा और धाम वास, इनमें भी कुछ छोड़ना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि श्रवण, संग, श्रवण और चैंटिंग, ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पांच में से भी कम करते हैं, डीटी वर्शिप इसलिए इंपॉर्टेंट कही गई है गृहस्थ भक्तों के लिए कि वो डीटी की सर्विस करते हैं तो भगवान से कम से कम रिलेटेड रहते हैं, और वो जब साधना करते हैं तो डीटी वर्शिप आपके माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। बट अगर आपका साधना छूट रहा है डीटी वर्शिप के लिए, तो चैंटिंग छूट रही है डीटी वर्शिप के लिए, तो मतलब हमको चैंटिंग में पहले ही जाना चाहिए, श्रवण में पहले ही जाना चाहिए, क्योंकि श्रवण ही है जो हमको चैंटिंग के लिए इंस्पायर करता है, वर्शिप के लिए इंस्पायर करता है। तो श्रवण और चैंटिंग
आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, तो भक्तों के संग भी कंबाइंड है, और फिर डीटी वर्शिप और धामवास। धामवास में आपको अच्छा लगता है, घूमने जाते हैं, दैट्स वी लाइक इट। और डीटी वर्शिप कभी कभी थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो ये पांच चीजें हैं जो मोस्ट एसेंशियल है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। डीटी वर्शिप मतलब जो थे आप मंदिर में दे मतलब तो उनको स्नान करा रहे हैं, उस समय हम जपा लगा रहे हैं या कोई बोल जपा लगा दे और उस जपा चल रहा है, हम भगवान के ही ध्यान में उनका भगवान का स्नान करा रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनको फूल अर्पण कर रहे हैं, उनके कपड़े वस्त्र बदल रहे हैं, तो वो चैंटिंग इज गुड और नॉट गुड, मतलब वी आर चैंटिंग इज डूइंग वेरी गुड। थोड़ा। हाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तुझे? हाँ प्रभु। चैंटिंग इज वेरी गुड बट दैट इज नॉट काउंटेड इन 16 राउंड्स। ओके ओके हाँ ठीक है प्रभु। ओके हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? तो होप सो कि मैं जो चर्चा किया वो आपके हेल्प करेगा। आप लोग भी प्रार्थना करेंगे कि मैं धाम में हूँ, जैसे धाम में दर्शन करता हूँ और मैं भी अच्छे से जप करता हूँ। प्लीज प्रे फॉर मी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम रामा हरे राम रामा राम राम रामा हरे हरे। हरे हरे कृष्णा बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरि प्रभु, बोल हरि दंडवत कृष्णा नाम प्रणाम। पापने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय हरे श्री ईश्वर कृष्ण नाम प्रभु जी, प्रभु जी की जय। जय जय हरे जय कृष्ण प्रभु हरे कान कृष्ण की प्रभु, जय। दंडवत जय प्रणाम। प्रभु जय जय की जय। प्रभु, हरे हरे कृष्ण, हरे दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे थैंक यू हरे कृष्ण, थैंक कृष्ण प्रभु। यू।